खुद को अतीक अहमद का रिश्तेदार बताकर बिना टिकट यात्रा कर रहा था। एक मुसलमान टीसी ने ही उसको मुसलमान होने का मतलब समझा दिया। कहानी बड़ी दिलचस्प है। बात है साल 2005 की। अतीक अहमद का जलवा अपने चरम पर था। अतीक इन दिनों सांसद भी हुआ करता था और राजू पाल मर्डर केस का आरोपी होने की वजह से सुर्खियों में भी था। इलाहाबाद में एक रेलवे स्टेशन है रामबाग, यहां से एक ट्रेन चला करती थी मंडवाडी बनारस के लिए, शायद आज भी चलती है। इस ट्रेन की हालत यह है कि रामबाग से मंडवाडी पहुंचने में 12-13 घंटे तक लग जाते हैं। ट्रेन पैसेंजर है और खचाखच भरी रहती है। यहां पर पहले आओ पहले पाओ का नियम लागू होता है। द लल्लन टॉप के लिए सुमित नामक शख्स ने अतीक अहमद से जुड़ा एक किस्सा लिखा है जो बड़ा दिलचस्प है और मनोरंजक भी है। खैर, हम बात कर रहे थे रामबाग मंडवाडी पैसेंजर की। एक 60-65 साल के रॉबिले साहब 7-8 लोगों के परिवार की कमान थामे इसी ट्रेन में आकर बैठते हैं। आते ही वो सबका सामान उलट पलट कर अपना सामान जमाना शुरू करते हैं। करीने से बांधा गया साफा, कलफ लगा कुर्ता और सदरी वगैरह पहने हुए साहब बड़े हैंडसम लग रहे थे। साथ में एक हम उम्र महिला थी, छोटे बड़े कुछ बच्चे थे। कुर्ते की जेब में नोकिया 3310 मॉडल का मोबाइल लगाया हुआ था। ये वो दौर था जब इनकमिंग का भी पैसा लगा करता था। सामान तो सामान, इन साहब के पास बकायदा अपनी एक मिट्टी की सुराही थी जिसे आते ही इन्होंने सीट पर बैठे एक बच्चे को उठाया और वहां पर रखवा दिया। आने के 10 मिनट के भीतर ही इन्होंने जेब से मोबाइल निकालकर पहला फोन लगाया और भाई को फोन डालकर स्पीकर पर कहा कि भाई को बता देना कि गाड़ी मिल गई है, सब लोग बैठ गए हैं। फोन काटने के बाद इन्होंने उस ट्रेन में मुनादी पीट दी कि अतीक अहमद उर्फ भाई के मौसिया ससुर हैं, उन्हीं के यहाँ बात हो रही थी। उनकी बातें सुनकर लग भी रहा था कि फोन जिसने भी उठाया था वो अतीक अहमद का बड़ा करीबी था। उसे अतीक अहमद के सारे प्रोग्राम मालूम थे। उसने यह भी कहा कि भाई को उनकी खैरियत बता देंगे। लेकिन रहस्य यह था कि दुनिया की सबसे रद्दी ट्रेन के एक जनरल डिब्बे में अतीक का रिश्तेदार कर क्या रहा था, वो भी तब जब अतीक की तूती बोलती थी। इलाहाबाद का बच्चा बच्चा उसकी कहानी सुनता था और जानता था। खैर, ट्रेन रामबाग से खुलकर दारागंज जाती, उसके बाद झूसी, रामनाथपुर, सैदाबाद, हंडिया वगैरह जाती थी, पर वो ट्रेन उस दिन चल पड़ी टाइम से। जो ट्रेन अक्सर लेट चलती थी उस दिन टाइम से चल पड़ी। आधे से ज्यादा लोगों की तो ट्रेन ही छूट गई। लोग दबी जुबान में कहने लगे, ये अतीक भाई का जलवा है, चमत्कार हो गया। उस ट्रेन में आमतौर पर टिकट चेक करने वाले टीटी की टीम, टीटी और टीसी की टीम भी नहीं आती थी जब तक कि बनारस ना जाता था। लेकिन उस दिन आधे घंटे दूर झूसी पहुंचते ही दनादन आरपीएफ के जवान, रेलवे के स्टाफ और ट्रेन टिकट स्टाफ पहुंच जाते हैं। मालूम चलता है कि पैसेंजर ट्रेन चेक करने का सालाना जलसा आज ही होना है, यानी कि मजिस्ट्रेट चेकिंग है। उनकी बोगी में भी टिकट चेकर आ गया। जिनके पास टिकट नहीं था उनके साथ हिसाब किताब बहस शुरू हुआ। जो टीसी ट्रेन के अंदर घुसा उसके कोट के नेम पर नेम प्लेट लगी थी, नाम था राजीव रंजन। पूरे दिन यही कार्यक्रम चलना था। टीसी जल्दी में भी था लेकिन उतनी जल्दी में भी नहीं था जितना हमारे सामने बैठे साहब ने समझ लिया। जब टीसी ने टिकट मांगा कोई हद तो अतीक भाई के रिश्तेदार ने कोई हरकत नहीं की। जब टीसी ने दोबारा टिकट मांगा तो अतीक के उस तथा कथित मौसिया ससुर ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, आगे बढ़ो यार। इतने में टीसी राजीव रंजन भवक गए, बोले, गाना गाकर पैसा मांग रहा हूं क्या कि बोल रहे हो आगे बढ़ो, टिकट दिखाओ, बाहर अफसर खड़े हैं। इस पर उन्होंने कहा कि जाओ अफसर से बोल दो हाजी साहब बैठे हैं। टीसी ने खिड़की से आवाज देकर सीनियर टीसी को बुलाया और बताया कि ये कह रहे हैं कि हाजी साहब है। सीनियर टीसी के कोट पर जब देखा गया तो सरफराज एस नाम की नेम प्लेट लगी थी। बस ये क्या था, हाजी साहब यानी कि अतीक भाई के तथा कथित मौसिया ससुर मुस्कुरा उठे, पानदान निकालकर पान बनाने लगे। जूनियर टीसी आगे बढ़ गया। सीनियर टीसी ने कड़ी आवाज में कहा, टिकट दिखाओ, टिकट नहीं है तो बनवा लो। हाजी साहब बोले, अरे टिकट तो पूरी ट्रेन का बनवा दे हम, लेकिन घर के बुजुर्गों से बात करने की यही तमीज है आपकी। टीसी सुबह सुबह काम पर आकर वैसे ही गुस्से में लग रहा था। उसने कहा कि हमारे घर के बुजुर्ग बिना टिकट ट्रेन में चढ़ने की बदतमीजी नहीं करते हैं आपकी तरह। अब हाजी साहब ने अपना अंतिम अस्त्र उठाया यानी कि अतीक कार्ड। उन्होंने बताया कि मैं भाई के घर का हूँ, उनका मौसिया ससुर हूँ।
टीटी सरफराज को इतना सब्र भी नहीं था, उसने हाजी साहब का हाथ पकड़कर खींचकर सीट से उठा दिया और सामने खड़ा करके कहा, अतीक के घर के हो तो क्या गोली मरवा दोगे कि हमारी जगह जमीन कब्जा करवा दोगे? हाजी साहब इसके लिए तैयार नहीं थे, मोबाइल निकाल लिया और किसी को फोन मिलाकर कहा, यार ये कौन टीसी है, नाम सरफराज है और मेरे साथ बदमाशी कर रहा है। फोन काट कर मोबाइल ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। हाजी साहब अरे अरे कह के बाहर लपके। इसके बाद शुरू हुई बहसबाजी। हाजी साहब इस बात पर बमक गए कि अतीक के बाप को हाथ कैसे लगा दिया। टीसी ने जवाब दिया कि अभी कायदे से हाथ कहाँ लगाया है, टिकट बनवाओ नहीं तो चालान करके जेल भेज दूंगा। आखिरी पत्तों के तौर पर हाजी साहब ने कौम का कार्ड चल दिया, बोला कि तुम जैसों की वजह से कौम की हंसी उड़ती है। जवाब आया कि हंसी उन जैसे लोगों की वजह से उड़ती है जो खुद तो करोड़ों की गाड़ी में चलते हैं लेकिन उनका बाप 150 रुपए की टिकट नहीं खरीद सकता। उसी रोज मैंने पहली बार सरफराज के मुंह से सुना कि मुसल्लम ईमान का मतलब मुसलमान होता है और चोरी से सफर करने वाले को, बिना टिकट सफर करने वाले को कम से कम मुसलमान तो नहीं ही कहना चाहिए। अब उसके बाद हाजी साहब धमकाते हुए कहते हैं, एक फोन पर गाड़ी घेर कर उनके लोग खड़े हो जाएंगे, तब अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेना। इस पर सरफराज टीसी ने छाती ठोक के कहा, यही खड़ा हूं, मरवा दो। मैं मरा तो मेरे घरवाली को इज्जत से पेंशन मिलेगी, बच्चे पढ़ते रहेंगे और जिनके नाम पर गुंडई की बात कर रहे हो उनकी मौत पर कोई पानी भी नहीं पूछेगा। आखिरकार इस पूरे तमाशे के बीच अब तक चुप रही हाजी साहब के साथ की महिला ने एक बच्चे को भेजकर सरफराज यानी कि सीनियर टीसी को बुलाया और अपने पास से 100 रुपए दिए और कहा कि टिकट बना दीजिए। हाजी साहब ने ऐलान किया, न टिकट बनेगा और न हम उतरेंगे गाड़ी से, बात यहाँ अतीक भाई की इज्जत की है। खैर सरफराज ने टिकट बनाना शुरू कर दिया और इशारा किया कि तुम बनाओ टिकट। हाजी साहब खिड़की के सामने रूठकर बेंच पर जा बैठे। एक लड़के को भेजकर महिला ने बुलवाया तो कहने लगे, हम नहीं जाएंगे अब कहीं। महिला ने लड़के को वापस बुलाया, सामने रखी गई सुराही में से पानी निकालकर हाजी साहब को सुपुर्द की गई और तसल्ली से बैठ गई। खैर बहुत सारी हिल हुज्जत हुई, ट्रेन खुल गई। आखिरी बार जब देखा तो बेंच पर सुराही के बगल में बैठे हाजी साहब चाय वाले को रोककर चाय लेते दिखे। सरफराज वापस बोगी में चढ़ गए। ये वो साल था जब अतीक अहमद राजूपाल के मर्डर केस में आरोपी बनकर खबरों में था, लेकिन वही साल था जब एक टिकट चेकर सरफराज ने खतरा दिखाते हुए भी अपने काम में कोताही नहीं बरती। नजर फेर लेने से उसका कोई नुकसान नहीं होता लेकिन वो ईमानदारी के साथ खड़ा रहा। और सुमित लिखते हैं कि आप तय कीजिए कि रीढ़ का धर्म क्या होता है।